हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए। तो आज हम बनाएंगे मशरूम टिक्का। मशरूम टिक्का काफ़ी अच्छी डिश होती है, हर एक पर्सन को ये काफ़ी पसंद आती है। तो हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैंने एक अलग से डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप वहाँ पर रेफर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम टिक्का बनाना। ओके, तो अब मैंने बोल ले लिया है। बोल में मैं पहले दही डाल दूंगी। ये मैंने 2 चम्मच दही ले ली थी। इस तरीके से पहले हम दही को घोल लेंगे। गाढ़ी दही आप लें तो ज़्यादा बेटर। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे बेसन, जो कि मैंने रोस्ट कर दिया था तवे पे। फिर हम इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम अगला इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। इसके बाद हम डाल देंगे अजवाइन। नेक्स्ट कोरिएंडर पाउडर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट आपके टेस्ट के अनुसार, कसूरी मेथी एंड इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे। नेक्स्ट इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला, मैगी मसाला, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट। बस इस तरह अच्छी तरीके से हम इसको घोल लेंगे। अब इसमें हम घोल कर डाल देंगे ये नींबू की रस एंड अगेन इसको अच्छे से हम मिक्स दे देंगे। हम डाल देंगे मशरूम डाल देंगे इसमें। हम इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे, कैप्सिकम, नेक्स्ट टू इट ग्रीन कैप्सिकम एंड अगेन इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से फुल मैरिनेट करना है हमें। देख रहे हैं, ध्यान से आप इसको मिलाएंगे ताकि हमारे मशरूम या हमारी कोई भी वेजीज टूटे ना। अब इस मैरिनेशन को हम 30 to 45 मिनट्स या 1 आवर भी, अगर आपको टाइम है इतना, तो फ्रिज में हम मैरिनेट करके रख देंगे। मैं मैक्सिमम इसको 30 to 35 मिनट्स रख दूंगी। ओके देन, अभी 40 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने ये फ्रिज में से निकाल दिए हैं हमारी मैरिनेशन। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने ऑयल भी डाल दिया था 2 चम्मच। तो आप भी 2 चम्मच ऑयल डाल दें। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने स्क्रूअर्स ले लिए हैं। ये स्क्रूअर्स को मैंने 2 लिया था। अब इस स्क्रूअर्स में मैं डालती जाऊंगी। पहले मैंने ये अनियन डाला इस तरीके से, देन हमारा ये येलो बेल पेपर। इस प्रकार आप डालते जाएंगे इसको, देन ये ग्रीन बेल पेपर। उसके बाद ये मशरूम, देन अगेन मैं अनियन डाल दूंगी। इस तरीके से आप रिपीट करेंगे अपने हिसाब से, जो आपको वेजीज अच्छी लगे। ये अगेन ग्रीन बेल पेपर और मशरूम एक और। इस तरीके से मैं सारी बैचेस ऐसे ही करती जाऊंगी। ऐसे देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सारे मैंने मशरूम टिक्का स्क्रीवर्स में लगाकर रेडी कर दिए हैं। जितनी मैंने सामग्री इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसमें से मेरे 7 स्क्रीवर्स में 7 सर्विंग्स होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है, गरम हो रहा है। इस पे मैं दो चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया और इसको अभी हम इस तरीके से, हाँ इस तरीके से हम इसको अभी फ्राई करेंगे। हम इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, बट हम इसको अब यहाँ पे तवा पे सेक रहे हैं। आप इसको कंटिन्यूअस ऐसे घुमाते रहें ताकि वो स्टिक ना हो जाए। मैं दूसरा भी अपना मशरूम टिक्का ऐसे रखूंगी बनाने को। मेक श्योर आप इसको चलाते रहें, घुमाते रहें इस तरीके से। ये मैंने अपना टिल्ट बदल दिया तवा, क्योंकि वो उससे प्रॉपर नहीं सेक रहे थे, तो मैंने ये तवा ले लिया। इस तरीके से आप इसको सेक लेंगे। कम से कम हमको इसको 10 मिनट तक तो सेकना ही है, 10 नहीं तो 6 to 8 मिनट कम से कम मिनिमम। ओके, हमारे मशरूम टिक्का बनकर रेडी हैं, गर्मा गर्म। आप इसको सॉस के साथ, मैंने शेजवान सॉस एक साइड डाल दिया और एक साइड ग्रीन चटनी डाल दी है, आप किसके साथ भी इसको खा सकते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बन चुके हैं। सी, यम यम यम। तो हमारे मशरूम टिक्का बनकर रेडी हैं। आप भी बनाइए, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि हाउ डू यू लाइक इट। एंड मशरूम की रिक्वेस्ट थी हमारी एक सब्सक्राइबर स्नेहा की, सो स्नेहा मेक श्योर आप ये वीडियो देखें और घर पर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा रहा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ click the like option and do subscribe to my channel. Bye bye.